अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जननायक फाउंडेशन जामनेर यांच्या वतीने महारक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। जामनेर शहरातील इस्लामपुरा जुना बोदवर रोड येथे या रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून बहुतांश रक्तदात्यांनी स्वयंस्फूर्तीने रक्तदान केले। तसेच या प्रसंगी कोरोना काळात आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांचा देखील सत्कार करण्यात आला। नमस्कार, आत्ता आपण जामनेरमधील इस्लामपुरा जुना बोदवड रोड येथे आलेलो आहोत। रक्तदान हेच श्रेष्ठदान असं म्हणत आज जननायक फाउंडेशनच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। तसेच कोरोनाच्या काळामध्ये अहोरात्र झटणाऱ्या व्यक्तींचा देखील म्हणजेच येथे कोरोना योद्ध्यांचा देखील सत्कार करण्यात येत आहेत। तसेच आपण याबाबतची अधिक माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। आज जो रक्तदान शिबिर रखा गया है 29 तारीख को, ये रक्तदान शिविर का एक मकसद है, एक इसका एम है कि जो रक्तदान का हम साटा रखते हैं बैंक में, उसकी कमी को देखते हुए शिविर रखा गया है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई बढ़कर अपना रक्त दान करे, इसके बहुत फ़ायदे हैं और इस्लामी एतबार से भी बहुत फ़ायदे हैं और डॉक्टरी लाइन से जो सेहत के लिए ज़रूरी है वो भी, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। जननायक फाउंडेशन पिछले 2 साल से सेवा कर रहा है उन लोगों की जो परेशान है, जो मुफलिसी में फंसे हुए हैं, जो गरीबी में फंसे हुए हैं, और ये उनको गरीबी है तो ये गॉड का उनको तोहफा है। गरीब होना कोई गुना नहीं है, ये तो गॉड का तोहफा है। एक मैं समझता हूँ कि जननायक फाउंडेशन को इसीलिए चुना गया है जो परेशान लोग हैं, और ज़्यादा लोग वहाँ परेशान होते हैं हॉस्पिटल लाइन से, उनको हॉस्पिटल लाइन की कोई मालूमात नहीं होती है और वो अपनी उस बीमारी में साल की जमा की हुई पूंजी को, राशि को लगा देते हैं और हालात ये आते हैं उनके ऊपर कि वो अपनी बीमारी का पूरा कर्ज नहीं चुका पाते और अपनी बीमारी का जो बिल निकला हुआ है, जो मेडिसिन का बिल निकला हुआ है, हॉस्पिटल का बिल निकला हुआ है, वो ठीक से उसे पे नहीं कर पाते। तो उनकी मदद करने के लिए जननायक फाउंडेशन उनकी मदद करता है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उनका वो बिल कम करे, और डॉक्टर के कहने के बाद, डॉक्टर के बिल कम करने के बाद अगर कुछ मेडिसिन का बिल पे करना होता है तो जननायक फाउंडेशन उसको अपने तरफ से पे करता है। और पिछले 2 साल से जननायक फाउंडेशन समाज के बीच काम कर रहा है बगैर किसी जाति भेदभाव के, बगैर किसी एक समाज के लिए, क्योंकि हमारा जो टैग है, जननायक फाउंडेशन का जो टैग है, मानव सेवा ही खरीश्वर सेवा है। और मैं समझता हूँ कि आज आदमी के लिए खुद को जीने के लिए वक्त के पास वक्त नहीं है, और जननायक फाउंडेशन अपना फ्री वक्त निकाल कर उन लोगों के लिए खिदमत करता है। और हमारा जो अगला मिशन है, इंशाल्लाह अगला मिशन हमारा एम्बुलेंस का है और सिलाई सेंटर मशीन का है, जो बेवा औरतें हैं उनके लिए, और शॉप एटी है, इसके बाद मोहल्ला मेडिसिन क्लिनिक है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, और ये सब पूरा होता है समाज के उन लोगों, जो लोग रहबर है, जो जिम्मेदार है, उनके सपोर्ट के बगैर ये सब अधूरा है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से जिनको अल्लाह तबारक तआला ने नवाजा है, वो इस फाउंडेशन को इमदाद करें, इनकी मदद करें, इनकी सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आतापर्यंत किती लोकांनी रक्तदान केले? मैं समझता हूँ अभी तक तो, यानी प्रोग्राम हमारा 11 बजे शुरू हुआ था, अभी तक 50 प्लस ब्लड कलेक्ट हो चुका है और हमारा टारगेट इंशाल्लाह 150 है। लोकांचं प्रोत्साहन कसं आहे, म्हणजे सगळे सपोर्ट करताय का व्यवस्थित? लोगों का सपोर्ट इतना फुल है, इतना जोश में है लोग के, वो अभी हमारे पास में पेशेंट को लेटाने के लिए बेड नहीं है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो टारगेट हमारा मिशन है वो पूरा हो जाएगा। मैं फाउंडर जननायक फाउंडर सचिव, जननायक फाउंडेशन जलगांव जिला। पिछले 2 साल पहले जननायक टीम जामनेर ने हमारे से जो चाका का ताल्लुक किया और जामनेर में ये जो शुरू हुआ, एक छोटे से स्थान पर शुरू किया था जननायक फाउंडेशन जामनेर को, आज ये 2 साल में जननायक फाउंडेशन जामनेर ने इतनी प्रगति उन्नति कर चुका है कि यहाँ पे हर रोज़ हर महीने में नए नए तरीके कार्य होते हैं। जैसे कोरोना काल में अपने सगे रिलेशन के, जैसे कि बेटा बाप को मदद नहीं कर रहा था, उस टाइम में जननायक फाउंडेशन जामनेर की टीम ने
जो गरजू लोग थे जिनके पेशेंट एडमिट थे रिलेटिव को जल हॉस्पिटल के बाहर जाके सिविल हो प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ खाना दिया। जो गरीब लोग थे जो घर में परेशान थे काम धंधे की वजह से बाहर बता नहीं सकते थे उनको घर में राशन किट पहुँचाई। ईद के निमित्त तो जो ईद का त्यौहार हुआ गरीब हालात में लॉकडाउन में कुछ बच्चे कपड़े खरीदने थे 100 बच्चों को कम से कम ईद के कपड़े दिलवाए। और स्टूडेंट्स थे जो स्कूल के जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे लॉकडाउन के तरीके से उनके पास में कुछ नहीं था माँ बाप के पास तो उनको घर पे स्टेशनरी वगैरह पहुँचाई। और जननायक फाउंडेशन हर बार में जो पहला काम करता है तो अगले काम का नियोजन अगले बार कर चुका होता है। तो ये ब्लड बैंक के आने करने से पहले हम लोगों ने अगला नियोजन ये किया है जननायक फाउंडेशन जामनेर के लिए कि जननायक फाउंडेशन जामनेर अभी आने वाले कुछ ही दिनों में मोहल्ला क्लिनिक और एक जेनरिक मेडिसिन यहाँ पे मेडिकल खुलने वाला है। और जननायक फाउंडेशन का एक अगला सेंटर है सिलाई सेंटर के लिए जो लड़कियाँ घर में है जो विधवा है जिनको सिलाई काम सीखने के बाद में उनको एक सिलाई मशीन भी फ्री दी जाएगी और जिससे उनका अगला खुद के बसेरे पर खुद के हाथ से अपना पेट का पालना कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि जननायक फाउंडेशन जामनेर के लिए एक एम्बुलेंस सेवा की यहाँ पे ज़रूरत है। वो इसलिए है कि रात के 2 बजे अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है कुछ होता है तो सिवाय इसको जलगांव सेंटर के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। तो वो रात के 2 बजे कोई गाड़ी नहीं मिल पाती ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो एक एम्बुलेंस हो तो यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन का बंदा उसको ड्राइविंग करके ले जा सकता है। तो यहाँ के जलगांव जामनेर शहर के और जलगांव जिला के और ऑल और इंडिया से और जहाँ से भी लोग डोनेशन देना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि जननायक फाउंडेशन के ये तीनों काम के लिए डोनेट करें और ये एक हाथ मदद का बढ़ाइए और एक काम को प्रोत्साहन देके यहाँ की जो युवा पीढ़ी है जो खुद का टाइम काम छोड़ के इस काम के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं उनको आप नहीं पहुँच सकते तो आपकी मदद पहुँच सकती है। आपकी मदद पहुँचाइए और एक काम को और आगे बढ़ाइए और इस काम को कंटिन्यू रखिए और जनहित में जनता की सेवा में हमें हमेशा बरकरार रखिए। फाउंडेशन जामनेर में एक सबसे अच्छा मुद्दा ये है कि जननायक फाउंडेशन जामनेर को माननीय माजी मंत्री गिरीशभाऊ महाजन आणि तहसीलदार साहेब नगराध्यक्ष साहेब उपनगराध्यक्ष साहेब और PI साहब फाउंडेशन जामनेर आणि तमाम नगरसेवक ऑल वर्ल्ड जामनेर के लिए यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करते। कभी भी कुछ भी काम हो किसी के पास जाओ जननायक फाउंडेशन को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। तुरंत जो काम लेके गए किसी के पास भी तहसीलदार साहब हो और बहुत से काम तो गिरीशभाऊ महाजन के फ़ोन से GM हॉस्पिटल के कार्य से जननायक फाउंडेशन के काम जामनेर में हो जाते हैं जो नहीं हो पाते वो जलगांव तक पहुँचते। तो GM हॉस्पिटल जैसे ग्लोबल महाराष्ट्र और जननायक फाउंडेशन को गिरीशभाऊ महाजन इनके बहुत सारे सपोर्ट हैं। आत्ताच आपण त्यांच्याकडून याबाबतची माहिती जाणून घेतली आहे। तसेच त्यांनी सांगितले की आत्तापर्यंत 50% लोकांनी रक्तदान केलेले आहे। तसेच त्यांना तसेच लोकांचा यासाठी खूप जास्त आणि खूप चांगल्या पद्धतीने प्रोत्साहन मिळत आहे। कॅमेरामॅन सुप्रू जाधवसह मी प्राजक्ता खरे JBN महाराष्ट्र न्यूज जामनेर। पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।